कब स्कूल के बुनियादी सवालों को लेकर के सड़क पर आया था? हम लोग तो सर बताओ, इससे पहले भी अभी जब भी कोई बात होती है तो हम लोग अपने संगठन के साथ साथ जो बच्चों के लिए होता है, जो उनकी जो दिक्कतें होती हैं उससे संबंधित बातें हम लोग रखते हैं, पटल पर रखते हैं, शासन प्रशासन के सामने हम लोग ये बातें रखते हैं। जैसे अभी हमारे सम्मानित साथी ने कहा रतन जी ने कि पहले उसमें न्याय पंचायत स्तर पे भी विद्यालय होते हैं। आपको बताना चाहूंगा जो नियम है कि हर 1 किलोमीटर में 2 प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, 1 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, और 2 जूनियर स्कूल के बीच की डिस्टेंस कम से कम 3 किलोमीटर होनी चाहिए, 3 किलोमीटर कम पे नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय, अभी मैं पिछले डिबेट में बैठा था, हमारे साथी पत्रकार बैठे हुए थे उस समय, तो नरई के 2 स्कूलों की बात कर रहे थे कि बड़ी खराब स्थिति है, ये है, वो है। तो मैंने उनसे बताया, हमने कहा लखनऊ में 8 ब्लॉक है, नगर क्षेत्र है, मैं हर ब्लॉक के 10-10 विद्यालय दूंगा। आज की स्थिति में आप 10 विद्यालय नगर क्षेत्र के, हर 80 स्कूल 20 नगर क्षेत्र के, आप जाके देखिए इस समय विद्यालय हमारे इतने मेंटेन हो गए हैं। 14वें वित्त से जो पैसा आया है, प्रधानों को कहा गया है, एक ही विद्यालय में टाइल्स लगा है। आप इंग्लिश मीडियम के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया गया है। सरकार की योजना रही, मौजूदा सरकार की योजना रही कि हर ब्लॉक में 5-5 इंग्लिश मीडियम विद्यालय किए जाए, हर ब्लॉक में 5-5 इंग्लिश मीडियम विद्यालय चल रहे हैं, और करीब 10,000 विद्यालय इंग्लिश मीडियम खोलने का प्रस्ताव सरकार का और है। इसके बाद जो बच्चे 5वें से पढ़ के अगले क्लासेस में जाएंगे, तो ये भी सरकार की योजना चल रही है कि जो जूनियर के 6 से 8 तक विद्यालय सरकार ने योजना ही क्या चलाई है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट और उसके बाद प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सीधे ये पूछना चाहता हूँ, जो मुरादाबाद की तस्वीरें हैं क्या वो ठीक है क्या? क्या वो हमारी सरकार बदल पाई है क्या? या गाजीपुर की जो तस्वीर जिसका जिक्र आप और हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरह से अटेंशन तार हैं, क्या वो स्थितियां बदलती हैं क्या इस सरकार में? देखिए इसमें तो मैं आपको बताऊं सर, इसमें तो सीधे जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जो इसमें दोषी है, मैंने आपको बताया था SDO के नॉलेज में है, वो जिले का प्रभारी होता है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसकी नॉलेज ये प्रकरण है, उसने आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर उनके ऊपर के अधिकारी ये बात देख रहे हो तो तत्काल उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मुरादाबाद की तस्वीरें आपने देखी हो, टीवी से भी चल रही है, इस तरह से बच्चे लटक के स्कूल जा रहे हैं, उनकी भी आप बात कर लीजिए, ये स्थितियां क्यों बनती हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? उनकी बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बताना चाहूंगा, ये सरकारी, ये जो आप दिखा रहे हैं सरकारी स्कूल नहीं है, ये किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे पास पड़ोस के होते हैं, अगल बगल गांव के होते हैं। ये जो आप चित्र दिखा रहे हैं, ये टेम्पो में लटके हुए बच्चे, ये किसी प्राइवेट स्कूल में है, और ये सरकारी स्कूल की ड्रेस भी नहीं है। इन प्राइवेट स्कूलों में वहां का जो प्रबंधक है, वहां जो प्रबंध समिति है, या सबसे बड़ा तो कसूरवार तो मैं इनके गार्जियंस को मानता हूं, जो बच्चे को रोड तक छोड़ने आते हैं, टेम्पो पे बैठाते हैं, उसके ऊपर लटका के भेजते हैं, क्या उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं है? वो उन्हीं के सामने बच्चे, जब उन बच्चों को अपने घर से तैयार करके, उनका टिफिन पैक करके, बैग लाद के, उनके गार्जियंस माँ बाप उनको बाहर छोड़ने आते होंगे, टेम्पो बैठाते होंगे, ये बच्चे टेम्पो में लटक के जा रहे हैं, क्या उनकी निगाह में बात नहीं आई? तो पहले दोषी तो माँ बाप उनको देखना चाहिए, उन्होंने अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, उसके बाद दोषी वो विद्यालय प्रबंध समिति है जहां ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए, टेम्पो से बच्चे आ रहे, कभी कोई हादसा हो सकता है, पतंगड़ हो सकता है, तो उनको तो तत्काल गार्जियन को बुला के बैठक करके ये बात सामने लानी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर जो अधिकारी है वहां के, जो भी DIO या PSA है जिनके अंडर में स्कूल आता है, उनको भी विद्यालय को एक्शन लेना चाहिए कि आप यहाँ ये स्थितियां क्यों हो रही है। लेकिन विनय जी, क्या प्राइवेट स्कूलों के अलग से नियम है? क्या प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं होते? क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी जिम्मेदारी हम सबकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। प्राइवेट स्कूल, चाहे वो बच्चे किसी भी विद्यालय के हो, चाहे वो परिषदी हो, चाहे प्राइवेट के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे मिशनरीज के हो, वो जिम्मेदारी हम लोग की भी है, गार्जियंस की भी है। मगर हर व्यक्ति जो गार्जियंस है, सबसे नजदीक तो बच्चे से गार्जियंस जुड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर उससे किसी का लगाव है तो वहां के गार्जियंस गुर्जर्स का है, वहां के टीचर्स का है, इन दोनों। लेकिन प्रशासन ऐसे मामलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्या ड्रेस देख के तय होता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे अगर इस तरह से सफर कर रहे हैं, उन्हीं ऑटो चालकों पर, रिक्शा चालकों पर कार्रवाई होगी, प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चे जिस तरह से